हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 19th of September 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, उसका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट वाज द वोटर टर्नआउट परसेंटेज इन द फर्स्ट फेज 18th September of 2024 जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस। तो कितने लोगों ने वोट किया इसमें? तो याद रखना 59% लोगों ने वोट किया। इससे पहले ये क्या था? तो सिंपल याद रखना, इस पे स्पेशल स्टेटस बना हुआ था आर्टिकल 370, उसको 2019 में हटा दिया गया था। ठीक है, वो सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। आज ये क्या है? तो यूटी है। ठीक है, आज क्या है? ये यूटी बना हुआ है, यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख भी क्या बन चुका है? यूटी बन चुका है। ठीक है, सिंपल याद रखना। नेक्स्ट कौन सा है? विच ग्रुप वॉज प्राइमरली अफेक्टेड बाई द पेजर्स एंड रेडियोज एक्सप्लोजन इन द लेबनान। आपने देखा होगा काफी इंस्टाग्राम पे, काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने ये वीडियोज भी देखी होंगी जिसमें ब्लास्ट हो रहे थे ना, रेडियो एक्सप्लोजन हो रहे थे, पेजर्स में एक्सप्लोजन हो रहा था। ये कहाँ की बात हो रही है? तो किसको अटैक किया गया था? तो याद रखना, अफेक्ट कौन हुए? हिजबुल्ला मेंबर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हिजबुल्ला मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? What is the name of the India's planned space station under the Gaganyaan program? ये हमने आज डिस्कस भी किया था एडिटोरियल में। क्या नाम है उसका? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BS-1। और ये कब एक्टिवेट हो जाएगा? तो याद रखना, हम 2035 तक, 2035 तक इसको ले जाने का प्लान बना रहे हैं। 2035 का टारगेट है। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। Who led the high level committee that recommended the one nation one election proposal? किसने इस बात को वो किया था? तो सिंपल याद रखना, आपके रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये भी हमने आज डिस्कस किया था। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन? तो एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू कंडक्ट साइमल्टेनियस लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। On which day World Patient Safety Day was celebrated recently? कब बनाया गया था? तो 17th of September को क्या बनाया गया था? World Patient Safety Day. In which of the following states of India has the newly built Siddheshwari Temple been inaugurated? जो आपका सिद्धेश्वरी टेम्पल है वो कौन से स्टेट के अंदर इनोग्रेट किया गया है? तो सिंपल सा याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर के क्वेश्चन याद रखना। याद रखना, बहुत बार आपसे ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मंदिरों के बारे में, बहुत बार आपसे रैंडम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके जो ट्राइब्स के जो डांस होते हैं, फोक डांस होते हैं, क्लासिकल डांस होते हैं। तो मैं बार बार कहता हूं, इनको एक बार देख लेना। आपको एक बुक दी गई होगी स्टैटिक जीके की, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नीति आयोग प्रपोज टू बिल्ड एडू सिटी एजू सिटी फॉर द हायर एजुकेशन? किसको बनाने की बात की जा रही है? मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और नीति आयोग के बारे में आप जानते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पहले इसको प्लानिंग कमीशन कहते थे। प्लानिंग कमीशन 15th of March 1950 को बना था। ये आपका 1st of January 2015 को बना था। इसका हेड हमेशा कौन होता है? इसका प्रेसिडेंट हमेशा कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Which of the following has Prime Minister Modi inaugurated the Tuticorin International Container Terminal? तो कहां पर इन्होंने इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल इनोग्रेट किया है? तो याद रखना, सिंपल आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, Which of the following countries will kill 200 elephants due to the severe drought? यानी कि जो आपकी सूखे की वजह से, कौन सा ऐसा देश है जो 200 हाथियों को मारने वाला है अभी? तो कौन सा है आपका? जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और हाथी जो होता है भारत में, हाथी को बचाने के लिए क्या है? एलिफेंट रिजर्व बने हुए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट चला था ना, टाइगर रिजर्व बने हुए। और जो आपके एलिफेंट रिजर्व है, उसके बाद हमारे जो हाथी है उसको क्या अनाउंस किया गया था? नेशनल हेरिटेज एनिमल। और कब हमने इसको, हाथी को नेशनल हेरिटेज एनिमल अनाउंस किया था? तो सिंपल याद रखना, 2010 के अंदर। ठीक है, वेयर अमोंग द फॉलोइंग हैज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स पवित्रा मार्गरेटा इनोग्रेटेड द सस्टेनेबल टेक्सटाइल समिट? तो कहां पर हुई है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैज वोन द गोल्ड मेडल इन द मैंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द टॉप गन कप? किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनमोल जैन इज द राइट आंसर। ठीक है, इन्होंने इसमें गोल्ड कप जीता है। Where among the following has the first container school opened in a remote forest area? जो forest area है उसके अंदर container में school खोल दिया गया है ना, या container school, तो कौन सा state है? तेलंगाना। option number is the right answer। option number is the right answer।
थियरी ब्रिटॉन, थियरी ब्रिटॉन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन कमिश्नर। यूरोपियन यूनियन कब बना था? ईयू, तो सिंपल याद रखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं, 1993 में बना था। टोटल कितने देश हैं इसके अंदर? तो टोटल कंट्रीज की कितनी है? 27, पहले 28 थी, एक माइनस हो गया, 27 बचे। एक कौन भाग गया यहाँ से? ब्रिटेन। और जब ब्रिटेन यहाँ से भागा तो इसको क्या नाम दिया गया था? ब्रेग्जिट, ठीक है, ब्रिटेन का एग्जिट होना। इसका कौन है जिसने रिजाइन कर दिया, तो कहाँ का है वो, तो सिंपल याद रखना फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कई बार हम पढ़ते हैं स्कैंजन जोन, स्कैंजन जोन क्या होता है? यूरोपियन यूनियन का वो ग्रुप जो बॉर्डर लेस है, जिन्होंने अपनी बॉर्डर को खत्म कर रखा है ताकि वीजा फ्री एंट्री कर रखी है ताकि इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके, ठीक है। तो स्कैंजन जोन भी इसमें है। 15 देश ऐसे हैं जिसमें जिन्होंने अपनी करेंसी को यूरो बना रखा, उनको यूरो जोन कह देते हैं। नेक्स्ट, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च सुभद्रा योजना, कहां पर लॉन्च की गई है सुभद्रा योजना? तो सिंपल याद रखना, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा इज द राइट आंसर। हॉकी टीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वोन द एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, तो किसने जीती है? भारत ने, और भारत ये लगातार पांचवी बार जीत चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज द बी इज द राइट आंसर। किसको हराया भाई ना? भारत ने चाइना को हराया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द पोलियो वैक्सीनेशन कंपेन हैज बीन पोस्टपोन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इसीलिए तो बर्बाद है। भारत में पोलियो फ्री कब हो गया था? इंडिया, इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री इन 2014। एक्चुअल में 2011 में लास्ट केस आया था, लेकिन 3 साल इंतजार किया, कोई केस नहीं आया, तो पोलियो फ्री हो गया। दुनिया के 2 ऐसे देश है जो आज भी पोलियो फ्री नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, और इन्होंने क्या किया, इस कंपेन को पोस्टपोन कर दिया। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। हु हैज स्टॉप्ड द मेडल टेबल इन द रिसेंट पेरिस पैरालंपिक्स, तो किसने सबसे टॉप किया है? तो चाइना, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इंडिया की रैंक क्या है आप सभी जानते हो, अगर जानते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हेल्ड रिसेंटली, कहां पर हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी रियाद इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेन वॉज द स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो कब लॉन्च हुई थी? 2015, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था। आई थिंक आज के लिए इतना ही था, आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।